Hello students, welcome back to my art club. Today we are making a greeting card, so we need A4 sheet. ये जो क्लब एक्टिविटी करवा रहे हैं ये बुक सिलेबस से अलग है, ये सभी क्लासेस को करवा रहे हैं। तो आज हम जो है ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे, इसके लिए हमें ये A4 sheet यूज करेंगे। ओके, तो इसको जो है ये वर्टिकल एज जो है हॉरिजॉन्टल एज के ऊपर इस तरह से लेके आनी है हमें, और कॉर्नर से इसको प्रॉपरली होल्ड करके इसको प्रेस कर देंगे लाइक दिस, इसे फोल्ड कर देना है। अब ये हमें अपर वाला कॉर्नर लेना है, हमें ये भी इस वर्टिकल एज से हमें हॉरिजॉन्टल एज इस तरह से लेके आनी है, और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ओके, नाउ दिस इज हॉरिजॉन्टल एज, एज के ऊपर से हम इसको फोल्ड करेंगे लाइक दिस। इस तरह से ये जो है ये कॉर्नर हमारा यहाँ पे, इस कॉर्नर पे ये कंप्लीट यहाँ पे आएगा, इसको प्रॉपर फोल्ड कर देंगे। सी दिस इज डायगोनल एज एंड दिस वन सेकंड डायगोनल एज, इस फर्स्ट एज को हम सेकंड डायगोनल एज के साथ ऐसे फोल्ड करेंगे लाइक दिस। ओके, नाउ इसको हम ओपन कर लेंगे सारे स्टेप। सेकंड स्टेप को हमें इस तरह ही फोल्ड रखना है, और जो है फर्स्ट को ऐसे ओपन कर लेंगे। अब ये हमारा स्क्वायर है, और यहाँ पे जो है हम इसको स्क्वायर को हाफ करते हुए ट्रायंगल शेप में हम इसको फोल्ड करेंगे लाइक दिस। इसके बाद जो है हम इसको वापस इस सेंटर वाली क्रीज से इसको हाफ करते हुए इस तरह फोल्ड करेंगे। सेकेंड टाइम ऑल्सो हाफ एंड थर्ड टाइम, तीन टाइम हम इसको फोल्ड करेंगे। इसके बाद जो हम इसको प्रॉपरली ओपन करेंगे, और यहाँ पे जो क्रीज बनी हुई है उसी से हमें इसको जो है अप एंड डाउन जो है फोल्ड करते हुए ये इस तरह से क्रीज के ऊपर हमें इसको कंप्लीट करना है लाइक दिस। ये देखिए, अब ये जो फोल्डिंग है ये इसके पीछे चली जाती है ऐसे। ओके, ये हमारे सामने रहेगा कॉर्नर। अब जो हमने पहला स्टेप किया था, ये क्रीज बनी थी, इसी क्रीज के ऊपर से हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप था, सेकंड ये था, थर्ड स्टेप हमने इसको यहाँ से ट्रायंगल को इस तरह से फोल्ड किया। अब जो है यहाँ से जिस ये जो है ये वर्टिकल एज है, इससे जो है पूरा कंप्लीट करते हुए हम इसको फोल्ड करेंगे लाइक दिस। ओके, अब इसके बाद जो है ये हमारी एज रह जाती है वर्टिकल, यहाँ से हम इसको राइट साइड वाले ट्रायंगल को फोल्ड करेंगे लाइक दिस, और इसको जो है हमें इसको इस तरह से सीधा कर लेना है कंप्लीट, इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये जो हमारा एक लीफ की शेप आ जाती है, और ये हमारा ग्रीटिंग कार्ड जो है आप किसी से रिलेटिव डे जैसे दिवाली से रिलेटिव, बर्थडे से रिलेटिव, किसी से रिलेटिव ये हमारा जो है ग्रीटिंग कार्ड रेडी हो गया। अब जो हम वर्डिंग लिखेंगे अंदर के लिए, तो जो है हम यहाँ पे अलग अलग जैसे ट्रायंगल है इसमें हमने कुछ अलग वर्डिंग लिख ली है, यहाँ पे कुछ अलग वर्डिंग अलग कलर से, यहाँ पे कुछ अलग 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 शेप में अलग अलग कलर से आप वहाँ पे इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो बहुत सारा स्पेस है यहाँ पे, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम इसको जो है एनवलप की तरह हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ से हम इसको जो है ओपन करके देखेंगे, ये जो है एनवलप भी आपका रेडी हो गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।